हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए एक बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन लेकर के हाजिर हो चुके हैं। जी हां, खुद प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध एक बहुत बड़ी बात बोली है। जी हाँ, जिसको सुनने को आप काफ़ी वर्षों से परेशान थे, ये सुनकर बच्चों में एक खुशी की लहर आ गई है। अब उन्हें लगता है कि हमें पुलिस की नौकरी या प्रदेश में किसी और भी प्रकार की नौकरी मिलना अब बहुत ही आसान हो गया है। जी हाँ मित्रों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, आज की ताज़ा खबर जो है, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपनी जुबानी ये बोली है। मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ और देख लेते हैं वहाँ से जो है। उससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकान के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के संबंध में हो, हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। तो चलिए खुद सुनते हैं उनकी मुँह जुबानी। जी हाँ, मुख्यमंत्री की जुबानी सुनिए। इनके लोग कोई भी नियुक्ति निकलती थी झोला लेकर के निकलते थे और वसूली अभियान चलता था इनका। थाने तहसीलें इनकी बिकती थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज विगत पौने 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख हम लोगों ने नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी। एक भी नौकरी पर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और हमने पहले इस बात का ऐलान किया था, अगर नौकरी के नाम पर कहीं वसूली होगी, उस व्यक्ति को न केवल जेल भेजेंगे, उसकी पूरी संपत्ति को भी हम जब्त करेंगे जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। और पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया गया। जहां कहीं शिकायत मिली, पूरी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया गया। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, एनआरआई जो अपना सीमिट था अभी वाराणसी में, इसमें मैं यानी एक ऐसा परिवार आगरा से वहां मुझे मिला, उसने कहा कि साहब मैं आपको इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं गांव में जब भी आता था मेरा भतीजा कहता था कुछ पैसे की व्यवस्था करा दीजिए। किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा साहब इस क्योंकि उसको नौकरी के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं 2 साल के बाद गांव गया, गांव में जब गया इस बात को लेकर के किस बार उसको हम पैसे देंगे, वो कहीं नौकरी उसकी लग जाएगी। तो मैंने बुलाया अपने भतीजे को कि भाई परिवार को उनकी माँ आई थी, तो मैंने बुलाया कि भाई कहाँ भतीजा, उसको बुलाओ। तो मुझे उन्होंने कहा वो तो ट्रेनिंग में गया है। हमने पूछा कौन सी ट्रेनिंग? का तो पुलिस में भर्ती हो गया है। तो हमने कहा पैसा कहाँ से आया? कहा साहब अब पैसा नहीं लगता, अब तो बिना पैसे के ही भर्ती हो रही है। ये परिवर्तन यूपी में हुआ है। कौन लोग हैं? वह जो नौजवान है वह कोई और नहीं, वह दलित समुदाय से है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है, बहुत सारे लोगों ने कहा शारीरिक शिक्षक उनकी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है वो पेंडिंग है, पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है वो पेंडिंग है, और सरकार कोर्ट कोर्ट खेल रही है उनके साथ। देखिए कोर्ट में नहीं, समस्या क्या है, हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में उसको चैलेंज किया है। वह रिजल्ट्स अभी 28 तारीख को आना था, कोर्ट ने 28 तक रोक लगाई है। 27-28 को हम लोगों ने 50,000 पुलिस की नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। कल ही हमने 30,000 पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है, उनको अपनी सेवा में ले लिया है। 50,000 की हमारी भर्ती की प्रक्रिया 27-28 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे ही अलग अलग विभागों की नियुक्तियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर एक भी भर्ती में कोई पैसा नहीं। ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इन भर्तियों की प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में क्या संभव हो पाता था? नहीं। देखिए मेजोरिटी चाहे वह SC ST का हो। तो मित्रों, ये थे मुख्यमंत्री। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही इस चीज़ को बारे में बताया है कि नहीं किसी प्रकार की कोई भी धांधली, कोई भी जो है रिश्वतखोरी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में नहीं होने वाली है। आप बड़ी ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप निश्चिंत होकर 49,568 पोस्ट के लिए एग्जाम दीजिए और अपने फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों, जो सोचा हमने आप तक पहुंचाना जरूरी है। कहीं ना कहीं इससे आपके आत्मविश्वास पर एक बल मिलता है और आपको जी हाँ और भी अच्छी तरीके से तैयारी करने की कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलती है। मित्रों, अगर आप हमारे इस बात से सहमत हों तो निश्चित ही आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।